So we'll start with the next topic today, that is heat transfer. हीट ट्रांसफर, तो इफ यू रिमेम्बर हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था, दैट टाइम वी हैव सीन हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो हीट कैन फ्लो एक ही बॉडी में, अगर एक रीजन हायर टेम्परेचर पे है और दूसरा रीजन लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, या फिर हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर. मैं आपको दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कुछ फॉर एग्जाम्पल यूर कुकिंग समथिंग, तो आपके पास एक वेसल था, वेसल का एक हैंडल है, राइट? और आपने वेसल को रख दिया गैस के ऊपर, और हैंडल के ऊपर अगर इंसुलेटर नहीं रहा तो आपको झटका लगेगा. मतलब क्या हुआ, सेम बॉडी के एक एंड से हीट कहाँ आ गया, दूसरे एंड पे, और सेम बॉडी के हायर टेम्परेचर रीजन से हीट कहाँ आ गया, लोअर टेम्परेचर रीजन पे. तो हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, या फिर हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर विद इन द सेम बॉडी. तो ये तो सेम बॉडी का हो गया. सन सन इज अ बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर, अर्थ विच इज अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. तो हीट फ्रॉम सन, दैट इज वन बॉडी, कैन फ्लो टू अर्थ विच इज अनदर बॉडी. सन वॉज एट हायर टेम्परेचर, अर्थ इज एट लोअर टेम्परेचर. तो ये दो चीजें याद रखना, हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन रीजन ऑफ अ बॉडी टू अनदर रीजन ऑफ द सेम बॉडी. तो हीट ट्रांसफर होता कैसे है, ये समझने के लिए देर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. तो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हीट ट्रांसफर, देर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. सो हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन. वाया थ्री मेथड्स. तो हीट ट्रांसफर के तीन मेथड्स है. हीट कैन फ्लो वाया थ्री मेथड्स. नंबर वन, इसको आप बोलते हो कंडक्शन. नंबर टू, इसको आप बोलते हो कन्वेंशन, नॉट कन्वेक्शन, इट इज कन्वेंशन, है ना? कन्वेंशन है ना, कन्वेक्शन है. तो ये याद रखना, कन्वेंशन ये वर्ड यूज होता है, याद है क्या, साइन कन्वेंशन, रूल्स रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को कन्वेंशन बोलते हो. तो ये आएगा कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन. तो देयर आर दिस थ्री मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. अब ये तीनों में से हमको इन डिटेल सीखना है सिर्फ कंडक्शन. कन्वेक्शन हम लोग सीखेंगे बट ओनली फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और रेडिएशन हमको इन डिटेल सीखना है 12th में, चैप्टर नंबर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन. लेकिन तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको. कंडक्शन तो हम लोग डिटेल में करने ही वाले हैं. तो हीट ट्रांसफर के तीन मोड्स है. कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, हमने एक रॉड लिया, रॉड का एक एंड हीट किया, तो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा. इस प्रोसेस में जिस एंड पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे, वहां से कोई भी मॉलिक्यूल या आइटम खुद हीट लेके दूसरे एंड पे नहीं गया. तो उस केस में क्या होता है कि जिस रॉड के जिस एंड को तुम हीट कर रहे हो, उस एंड के जो आइटम्स होते हैं, दे रिसीव द हीट फर्स्ट एंड दे रिसीव हीट. और आपको याद होगा सॉलिड में हाउ इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, पीरियोडिक, क्लोजली पैक्ड. और ऑलरेडी ये एटम्स क्या कर रहे थे, वाइब्रेट. अब हीट मिलने के बाद दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. तो जब ऐसा कर रहे हैं तो वो नेबरिंग एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे. एंड नाउ नेबरिंग एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, और वो क्या करेगा, वो अपने नेबरिंग एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेगा. तो ऐसा करते करते इट इज लाइक अ गेम ऑफ पिलो. खेला है क्या, म्यूजिक चालू करते हो फिर पिलो पास करते हो.
है ना, वैसा ही है। पिलो इज लाइक एनर्जी, तो एक एक एटम से एनर्जी कहाँ जा रहा है, दूसरे एटम, तो खुद एटम नहीं गया एनर्जी लेके, इसको बोलते हैं कंडक्शन, जो हम डिटेल में देखेंगे। मोस्टली कंडक्शन सॉलिड्स में होता है। दूसरा टाइप है कन्वेक्शन, जो मोस्टली लिक्विड्स में होता है या फिर गैसेस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में जो भी लिक्विड आप गर्म करते हो, पानी हो गया, दूध हो गया, तो क्या होता है उस केस में, यू हैव अ वेसल, वेसल के अंदर तुमने लिक्विड रखा है और वेसल को तुमने बर्नर के ऊपर रख दिया। अब सबसे पहले हीट जाएगा वेसल को, वेसल मतलब सॉलिड, राइट। सॉलिड में मोड ऑफ कंडक्शन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, कंडक्शन। और ये वेसल से हीट कहाँ जाएगा, लिक्विड को। जो लिक्विड का जो बेस है, बेस जो मतलब सबसे नीचे लिक्विड है ना, वहां पे उन मॉलिक्यूल को सबसे पहले एनर्जी मिलेगी। तो द मॉलिक्यूल्स एट द बॉटम ऑफ द वेसल, दे रिसीव द एनर्जी फर्स्ट, और वो हीट लेके, वो खुद मॉलिक्यूल्स हीट लेके कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ। तो मॉलिक्यूल्स एट द बेस ऑफ द वेसल, दे रिसीव द एनर्जी फर्स्ट, दे टेक दिस एनर्जी एंड दे देमसेल्फ, खुद वो एनर्जी लेके ऊपर गए। तो हॉटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गए, जो ऊपर के कोल्डर मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ जाते हैं, नीचे आते हैं, फिर उनको एनर्जी मिलता है, फिर ये ऊपर जाते हैं, फिर जो कोल्डर है वो नीचे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। हॉटर मॉलिक्यूल्स दे गो अप, कोल्डर मॉलिक्यूल्स कम डाउन, रिसीव एनर्जी, बिकम हॉट, गो अप एंड देन अगेन कम डाउन। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हो कन्वेक्शन। कंडक्शन में मॉलिक्यूल खुद नहीं गया था एनर्जी लेके, उसने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को या नेबरिंग एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर किया था। कन्वेक्शन में क्या होता है, खुद मॉलिक्यूल जाता है एनर्जी लेके, राइट। वो डिटेल में देखेंगे हम, वैसे आई एम जस्ट मेकिंग सम पिक्चर, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका बना बना रहा हूँ यहाँ पे, डिटेल में देखना ही है हमको। तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको हीट को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना है तो मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। कंडक्शन में भी क्या था, एक एंड आपने रॉड का हीट किया तो हीट दूसरे एंड तक आया थ्रू दिस मीडियम, राइट। कन्वेक्शन में भी क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो हीट लेके खुद जा रहे हैं थ्रू अ मीडियम। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। इस केस में हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, सन का हीट अर्थ तक पहुंचता है थ्रू थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट मतलब बेसिकली फोटॉन्स, राइट। अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो अभी ये तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट याद रखो, आगे हमको इसको एप्लीकेशन में यूज करना है। तो थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, विच वन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच देर इज नो एक्चुअल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कोलिजन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, वो हम देखेंगे अब। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल देमसेल्फ गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और रेडिएशन में, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। इन दिस केस द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वन बाय वन वी विल सी ऑल दीज थ्री। तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विथ कंडक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है ऑफकोर्स। तो कंडक्शन, इसमें हो क्या रहा है, इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इन दिस मोड देर इज नो एक्चुअल मोमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नो बॉडीली मोमेंट, मतलब खुद पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं गया, तो देर इज नो एक्चुअल मोमेंट, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को टुगेदर वी विल कॉल एज पार्टिकल्स। तो देर इज नो एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, राइट। तो फिर हीट ट्रांसफर होता कैसे है, ये समझने के लिए लेट अस जस्ट टेक अ केस ऑफ रॉड। सो सपोज वन एंड ऑफ द रॉड इज हीटेड, तो यहाँ पे ये रॉड है, रॉड के एक एंड को हम लोग हीट कर रहे हैं, सो वी आर हीटिंग दिस पर्टिकुलर एंड, एंड एज यू नो यहाँ पे अरेंजमेंट है पीरियोडिक, क्लोजली पैक्ड पीरियोडिक। तो व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ द रॉड,
द पार्टिकल्स एट दैट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. पहले भी वाइब्रेट हो रहे थे स्लो एंड विथ लेस एम्पलीट्यूड, तो कोलिजन्स नहीं थे, बट आफ्टर यू हिट दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. सो व्हेन वन एंड ऑफ रॉड इज हीटेड, व्हेन वन एंड ऑफ अ रॉड इज हीटेड, द पार्टिकल्स एट दैट एंड, द पार्टिकल्स एट दैट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. पहले से वाइब्रेट हो रहे थे बट दे वर वाइब्रेटिंग स्लोअर, तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. अब क्योंकि बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग विथ मोर एम्पलीट्यूड, तो वाइल डूइंग सो दे अंडरगो कोलिजन विद द नेबरिंग पार्टिकल्स. वाइल डूइंग सो दे कोलाइड विथ नेबरिंग पार्टिकल्स, विथ नेबरिंग पार्टिकल्स. और ये जब कोलिजन होता है, आप सीखोगे आगे जाके, देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन दैट यू विल कम अक्रॉस. एक को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, एक को हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, कोलिजन होगा बट एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड. और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें कोलिजन हुआ तो एक पार्टिकल से एनर्जी जाता है दूसरे पार्टिकल पे, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना, तो विच टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस? इनइलास्टिक, राइट. सो वाइल डूइंग सो दे कोलाइड विद नेबरिंग पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी, एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी. अब जो नेबरिंग पार्टिकल है वो क्या करेगा? नाउ द नेबरिंग पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेक्स्ट नेबर. ओके, सो नाउ द नेबरिंग पार्टिकल्स. थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जरूरी है हमको फॉर्मूलाज बनाने हैं, और बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाने हैं. जब तुमको ये बेसिक्स ही नहीं पता होगा तो फिर फॉर्मूला नहीं बन पाएगा. तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ मटेरियल टू डिराइव द नेसेसरी फॉर्मूलाज. सो द नाउ द नेबरिंग पार्टिकल क्या करेगा? ये स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. ठीक है, अभी जो नेबरिंग है, दिस पार्टिकल नाउ ट्रांसफर्स, क्या करेगा ये? ट्रांसफर्स एनर्जी टू द नेक्स्ट नेबर, है ना. दिस पार्टिकल नाउ ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू द नेक्स्ट नेबर, टू द नेक्स्ट नेबर. ऐसा करते करते एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. पर क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रांसफर है एनर्जी का, ये कब तक चलता रहेगा? एनी गेस? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी, मतलब इन दिस केस रॉड, बिकम्स सेम. ऐसा कभी होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि इट विल टेक इनफिनाइट टाइम. यू आर राइट, थ्योरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए. मेरे पास अगर एक रॉड है, इसको मैं एक एंड को हीट कर रहा हूँ, तो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट तब तक फ्लो होगा. बाय द वे, जब तक हीट फ्लो हो रहा है, इसको वेरिएबल स्टेट बोलते हैं, आगे आएगा अगले टॉपिक में, राइट. तो आइडियली होना यह चाहिए था कि जब तक दोनों एंड या फिर पूरा रॉड सेम टेम्परेचर पर नहीं आता, तब तक हीट फ्लो होना चाहिए था. लेकिन दोनों एंड्स, मतलब पूरा रॉड, सेम टेम्परेचर पर कभी आ ही नहीं सकता है. क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि लुक, ये जो रॉड है ना, ये तुमने एक रूम जैसे एरिया में रखा हुआ है, और रूम विल बी एट लोअर टेम्परेचर. फिर यहाँ से हीट सराउंडिंग में चला जाएगा थ्रू या तो रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन, बराबर. मतलब देयर इज लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग ऑल्सो. इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है दैट द होल रॉड इज एट द सेम टेम्परेचर. अगर तुम उसका वेट करने लगे तो वेट करते ही रह जाओगे, क्योंकि इसको इन्फिनाइट टाइम लगेगा. तो थियोरेटिकली यू आर राइट. सो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल बोथ द एंड्स, मतलब पूरा रॉड ही बेसिकली, अंटिल बोथ द एंड्स रीच
द सेम टेम्परेचर। बोथ द एंड बोलो, रॉड बोलो, पूरा का पूरा रीच द सेम टेम्परेचर, और ये होने के लिए इट टेक्स इनफिनाइट टाइम, विच रिक्वायर्स इनफिनाइट टाइम। तो सारा का सारा रॉड सेम टेम्परेचर पे तो आएगा नहीं, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो ऐसा करते हैं, व्हाट वी डू इज हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो रॉड है इट इज मेड अप ऑफ सेक्शंस, तो ये सेक्शंस है। ओके, तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट कब तक चलेगा, जब तक सारे के सारे सेक्शंस, सो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल ऑल द सेक्शंस ऑफ दिस रॉड रीच कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट बोला मैंने, यहाँ सेम नहीं बोला, दे रीच कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बट नॉट सेम। मतलब क्या है, इमेजिन इमेजिन अभी ये ए एंड है, यहाँ तो हीट कंटिन्यूसली आ रहा है, तो डेफिनेटली हायर टेम्परेचर पे होगा। मान लेते हैं कि चलो ये 90 डिग्री पे, ओके, और ये लोअर टेम्परेचर पे था, बी एंड लोअर टेम्परेचर पे था, तो हीट शुरू में फ्लो हो रहा था कहाँ से, ए से बी पे। एक स्टेज ऐसा आएगा जब हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा, उस स्टेज पे क्या होगा, हर एक सेक्शन का एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो गया लेकिन सेम नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसका 88 है, फॉर एग्जाम्पल इसका 86 है, फॉर एग्जाम्पल इसका 85 है, फॉर एग्जाम्पल इसका 84.5 है, फॉर एग्जाम्पल इसका 84 है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ। तो देर विल बी अ स्टेज जहां पे हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया लेकिन सेम नहीं। तो एट दिस पॉइंट यू से दैट देर इज नो मोर फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, इसको बोलते हो स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, स्टेडी स्टेट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल एंड अनलेस द रॉड रीचेज अ स्टेडी स्टेट, तो अभी याद रखना। तो दैट इज वाई प्रैक्टिकली इनफिनाइट टाइम तक तो वेट कर नहीं सकते, तो देयरफॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, देयरफॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूस कब तक कंटिन्यूस, अंटिल अंटिल ऑल द सेक्शंस ऑफ द रॉड रीच कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बट नॉट द सेम टेम्परेचर, बट नॉट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है लेकिन सेम नहीं है। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% पक्का ना। एक एंड को हीट किया, दूसरे एंड तक हीट जा रहा है थ्रू कोलिजन्स विदाउट एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जिस एंड पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो उस एंड के जो एटम्स से या मॉलिक्यूल से, मतलब पार्टिकल्स से, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड, वाइल डूइंग सो दे कोलाइड विद देयर नेबर्स, ट्रांसफर देयर एनर्जी। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो गई नेबर के पास। अब नेबर विल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड एंड इट विल कोलाइड विद द नेक्स्ट नेबर। तो ऐसा करते करते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट ट्रांसफर हो गया। आइडियली ये ट्रांसफर ऑफ हीट तब तक चलना चाहिए था जब पूरा का पूरा रॉड सेम टेम्परेचर पर नहीं आता, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है क्योंकि देर इज लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स एज वेल। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ पे सारे का सारे रॉड का हर एक सेक्शन इट इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बट नॉट सेम टेम्परेचर। तो हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया लेकिन सेम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जितना हीट वो ले रहा है उतना का उतना सराउंडिंग को रिलीज कर रहा है। इस स्टेट को तुम बोल रहे हो स्टेडी स्टेट। यहाँ तक क्लियर। तो जिस मटेरियल में कंडक्शन होता है उसको बोलते हो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो द मटेरियल्स द सॉलिड्स विच कंडक्ट हीट आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, आयरन, सिल्वर, कॉपर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड द सब्सटेंसेज विच डू नॉट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इंसुलेटर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल पेपर, प्लास्टिक, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉर्मली जो सब्सटेंस हीट का गुड कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, एक दो एक्सेप्शंस है। तो दैट थिंग आई विल नॉट राइट डाउन हियर, तो ये आपको पता होना चाहिए सर। सिंपल सी बात है, द मटेरियल्स और द सब्सटेंसेज विच कंडक्ट हीट आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल सिल्वर, एग्जाम्पल ऑफकोर्स गोल्ड भी, कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आयरन। एंड द सब्सटेंसेज द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट
are called as bad conductors of heat, plastic, paper, etc. etc. नॉर्मली जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, एंड वाइस वर्सा, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है वो हीट का भी गुड कंडक्टर है नॉर्मली। है तक क्लियर? तो अभी इतना पता है तो अगला टॉपिक होगा थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी टॉपिक का नाम है, लेकिन उसमें हमको डिफाइन करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो थर्मल कंडक्टिविटी, अब ये थर्मल कंडक्टिविटी एक पैरामीटर है, जैसे अगर आपको याद होगा ECTC क्या था, क्या चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, उसमें भी हमने कंडक्टिविटी नाम का पैरामीटर डिफाइन किया था, किया था क्या, किया था कंडक्टिविटी सिग्मा, और एक रेजिस्टिविटी भी डिफाइन किया था। तो ये जो कंडक्टिविटी पैरामीटर होता है हमको क्या बताता है, अगर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उस केस में, और अगर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी का वैल्यू लो है, लो, तो वो बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब करंट का। यहाँ पे तुम बात कर रहे हो, देखो कॉन्सेप्ट आर वेरी सिमिलर, सिर्फ वहां पे चार्जेस फ्लो होते हैं, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है, वहां पे चार्जेस फ्लो होते हैं, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है। तो जिस मटेरियल में चार्जेस इजीली फ्लो हो सकते हैं उसको तुम बोलते हो गुड कंडक्टर्स, जिस मटेरियल में हीट इजीली फ्लो होता है उसको बोलते हो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है ये बताने के लिए हमने कंडक्टिविटी नाम का एक पैरामीटर डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में। तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वॉज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट करंट। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और अ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, आई विल से सॉलिड, ऑफ अ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। तो डेफिनेटली मटेरियल्स विथ हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर गुड कंडक्टर्स। तो मटेरियल्स विथ हाई वैल्यू ऑफ या लार्ज वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि हम हीट की बात कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब ऐसे मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू लो है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड, क्लियर क्लियर बराबर। अब हमको डिफाइन करना है समथिंग कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हमने पहले भी डिफाइन किया है, हम वापस डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब हमने डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर नंबर 2, तब मैंने आपको डेरिवेटिव का मतलब समझाने के लिए आपको मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट समझाया था। मैं वापस बता देता हूँ, आई विल रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट अगेन, सेम सेम। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे क्योंकि समर्स थे, थोड़ी गर्मी थी, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल जो स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम थोड़ा गर्म लगता है, देन यू कम इनसाइड द क्लासरूम, यू चेंज द पोजिशन एंड यू फील द टेम्परेचर हैज वेंट लिटिल डाउन। मतलब क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजिशन। तो यहाँ पर टेम्परेचर है डिपेंडेंट वेरिएबल, टेम्परेचर ये डिपेंड करता है पोजिशन के ऊपर, और पोजिशन है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो व्हाट वाज चेंजिंग वाज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन पोजिशन, इसको तुम बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन। लेकिन देखो टेम्परेचर सिर्फ पोजिशन पे डिपेंड करेगा ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर तो टाइम पे भी डिपेंड करता है, सुबह कम रहता है, दोपहर में बढ़ जाता है, शाम में कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कैन ऑल्सो चेंज विद टाइम, इन दोनों केस में टेम्परेचर जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले केस में टेम्परेचर डिपेंड करता है पोजिशन पे, तो हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद पोजिशन। दूसरे केस में टेम्परेचर डिपेंड करता है टाइम पे, हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। जब भी तुम डेरिवेटिव ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ तो टेम्परेचर है लेकिन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन,
इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं? तो ग्रेडियंट डेरिवेटिव ही है, सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन है, तो क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट, बराबर, राइट? वैसे ही अगर वेलोसिटी डिपेंड करे पोजीशन पर तो उसको बोलोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। चैप्टर नंबर 2 of 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वहां सीखोगे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट, तब देखेंगे। अब फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन, और कंडक्शन में हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल लिया है एक रॉड का, तो यही एग्जाम्पल मैं वापस ले लूंगा। तो लेट अस टेक द सेम एग्जाम्पल अगेन। तो सपोज वी हैव अ रॉड, अभी मैं लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि एक बार लिख के हो गया, तो आई विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन राइटिंग डाउन एनी थ्योरी नाउ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओनली दोज पॉइंट्स आई विल नोट डाउन। तो हमारे पास एक रॉड है, सपोज वी हैव अ रॉड, और इस रॉड के एक एंड पे मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, लेट अस से दैट एंड इज ए। तो कंसिडर अ रॉड एंड सपोज दैट वन एंड ऑफ द रॉड ए इज हीटेड, है ना? राइट, तो क्या होगा? द हीट विल फ्लो फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, बराबर, राइट? एक काम करता है, ए एंड का टेम्परेचर को मैं T1 बोल देता हूँ और बी एंड के टेम्परेचर को मैं T2 बोल देता हूँ। जब तक हीट फ्लो होगा उस स्टेट को बोलोगे वेरिएबल स्टेट, और जब हीट फ्लो होना बंद हो गया उसको बोलोगे स्टेडी स्टेट। इस केस में क्योंकि T1 हमने बोला है ग्रेटर देन T2 है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हाँ, ए टू बी। तो सिंस ए एन इज एट हायर टेम्परेचर एंड बी एन इज एट लोअर टेम्परेचर, हीट विल फ्लो फ्रॉम एन ए टू एंड बी, क्लियर, राइट? तो व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करोगे टेम्परेचर ग्रेडियंट? डिफाइन कैसे करोगे? अभी तो एग्जाम्पल बताया मैंने। चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, मतलब T1 - T2 / x। देखो नोट्स में लिखा हुआ है, आपके क्या लिखा है नोट्स में? इफ यू रीड इट प्रॉपरली लिखा है द फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, द फॉल ऑफ टेम्परेचर, द फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैं आपको इसका फिजिकल मतलब बताता हूँ, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन से कनेक्ट कर लो। तो आइडिया क्या है? आइडिया सिर्फ इतना था कि हमारे पास एक रॉड है, उसके एक एंड को, ए एंड को हमने हीट कर दिया, राइट? तो ए हायर टेम्परेचर पे है T1 पे और बी लोअर टेम्परेचर पे है T2 पे। जब तक हीट फ्लो होता रहेगा उसको बोलोगे वेरिएबल स्टेट, जैसे ही हीट फ्लो होना बंद हो गया उसको बोलोगे स्टेडी स्टेट। अब जब तक हीट फ्लो हो रहा है, और हीट कब फ्लो होता है? जब टेम्परेचर सेम नहीं हो और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं हो, राइट? तब तक हीट फ्लो होता है, तो क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्टेट। एक बार हर एक सेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ गया उसको क्या बोलोगे? स्टेडी स्टेट। लेकिन स्टेडी स्टेट में भी ए एंड इज एट हायर टेम्परेचर एंड बी एंड इज एट लोअर टेम्परेचर, सही है, करेक्ट? तो मैं ए से बी जब जाता हूँ तो हर एक मीटर में, हर एक मीटर में फॉर 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उसको बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो देखो वही लिखा है, द फॉल, फॉल लिखा है ना, फॉल क्या लिखा है? द फॉल इन टेम्परेचर, द फॉल इन टेम्परेचर कहां से कहां तक? द फॉल इन टेम्परेचर फ्रॉम फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ऑफ कोर्स द फॉल इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस, तो द फॉल इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, विथ डिस्टेंस फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ अ सॉलिड या फिर ऑफ अ रॉड इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट।
is defined as temperature gradient. डिनोट करने के लिए इसको मैं लिखूंगा dT by dx, या तो ऐसा लिख लो, ऐसा नहीं डिनोट करना, ये कैलकुलस में ऐसा नोटेशन होता है dT by dx, ऐसा नहीं करना तो कोई बात नहीं. टेम्परेचर ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स. तो ये बन गया आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला, T1 - T2 / x, बराबर राइट. तो द फॉल इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ अ रॉड इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट. इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर. तो अब इसके अगला टॉपिक समझने के लिए हमने जो अब तक हमने जो टॉपिक कवर किए वो सारे पहले अच्छे से पता होने चाहिए. तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड देर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. कन्वेक्शन रेडिएशन को साइड में रखो, हम पहले स्टडी कर रहे हैं कंडक्शन. सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होता है थ्रू कंडक्शन, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड हीट फ्लोज थ्रू कंडक्शन. कंडक्शन में जिस एंड को आप हीट कर रहे हो वहाँ के पार्टिकल्स के पास हीट पहले जाता है, मतलब उनको एनर्जी मिलता है. दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर विथ मोर एम्पलीट्यूड, कोलाइड विद द नेबरिंग, ट्रांसफर द एनर्जी टू द नियरेस्ट नेबर. फिर नेबरिंग पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड एंड कोलाइडिंग विद द नेक्स्ट नेबर, और वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट नेबर को, नेक्स्ट करता है नेक्स्ट नेबर को, ऐसा करते करते हीट फ्लो होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर. यहाँ तक क्लियर? गुड. जब तक हीट फ्लो हो रहा है वेरिएबल स्टेट है, जब हीट फ्लो होना स्टॉप हो गया स्टेडी स्टेट है. स्टेडी स्टेट में हर एक सेक्शन इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बट नॉट सेम टेम्परेचर. अब हमने डिफाइन किया टेम्परेचर ग्रेडियंट. थर्मल कंडक्टिविटी डेफिनेटली तुमको पता ही है, अब थर्मल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट. अब हो ऐसा रहा है हमारे पास एक एंड था T1 टेम्परेचर पे, दूसरा एंड था T2 टेम्परेचर पे. तो जब मैं एक एंड से दूसरे एंड जाऊंगा तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट. द फॉल इन टेम्परेचर, सिंपल भाषा में बोलूँ तो हर एक मीटर में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट्स इट. रियल लाइफ में सोचना है, रॉड को छोड़ दो, वही एग्जाम्पल ले लो. एग्जाम्पल गर्मी के दिन है, बाहर 45 डिग्री है, तुम क्लासरूम के अंदर आ गए, एक जगह पे आके खड़े हो गए, वहां पे 40 डिग्री है. जहां तुम पहले खड़े थे अब जहां तुम न्यू पोजीशन पे हो, मान लो दोनों में डिस्टेंस है 10 मीटर का, 10 मीटर, तो 10 मीटर में कितना टेम्परेचर फॉल हुआ, 5 डिग्री. तो ग्रेडियंट कितना है, 5/10, मतलब 1/2, मतलब 0.5 डिग्री पर मीटर. तो हर एक मीटर डिस्टेंस में टेम्परेचर कितना फॉल हो रहा है उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट. सी तो फॉर्मूला क्या बन गया, T1 - T2 / x. अगर यहाँ तक, अब हमको देखना है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समझने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, रॉड की जगह पे हम लोग लेते हैं एक क्यूब. तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ मच हीट इज फ्लोइंग, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, आई डोंट नो व्हाई, नहीं होना चाहिए, ध्यान दोगे तो नहीं होगा. लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमको सिर्फ इतना बताता है कि कितना हीट फ्लो हो रहा है, डन. क्योंकि अगर एक एंड या फिर एक साइड, एक फेस हायर टेम्परेचर पे है, दूसरा लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर. हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज फ्लोइंग, हमने बोला क्या कितना हीट फ्लो हुआ, 1 जूल, 2 जूल, 10 जूल, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, नहीं बोला ना. तो ये कौन बताता है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो बेसिकली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए जब तुम टाइटल पढ़ते हो ना, तो टाइटल रीड करने के बाद, पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद, यू शुड मेक सम काइंड ऑफ ब्रेन मैप फॉर यू. लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमको क्या बताएगा कि हीट कितना फ्लो हो रहा है, डन. तो आपको याद रहेगा अपने आप. तो वो लॉ क्या है मैं बताता हूँ, बट दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर. तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समझने के लिए व्हाट वी डू इज हम लोग लेते हैं एक क्यूब. तो लेट अस टेक अ क्यूब. तो लेट्स टेक अ क्यूब हियर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट.
ओके गुड। अब ये जो क्यूब है इसका एक फेस, वन ऑफ द फेस ऑफ दिस क्यूब लेट अस से इज एट टेम्परेचर T1, हायर टेम्परेचर, वाइल द अदर इज एट टेम्परेचर T2, बराबर। और अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यू नो कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ होगा, हाँ मतलब लेफ्ट टू राइट, है ना। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट फेस टू द राइट फेस। तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टेल्स यू द हीट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फेस ऑफ अ क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीन चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चौथे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट फ्लो होगा। नंबर 2, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना हीट ज्यादा फ्लो होगा। नंबर 3, द टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग, अगर मैं 1 मिनट के लिए मेजर करूं और मैं 10 मिनट के लिए मेजर करूं तो डेफिनेटली 10 मिनट में ज्यादा हीट फ्लो हो जाएगा कंपेयर टू 1 मिनट, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, राइट। तो चार चीजों पर डिपेंड करता है, और एग्जैक्टली ये सेम कॉन्सेप्ट तुमने इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर में भी देखा है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहां पे भी था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, देन एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। नंबर 3, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितना ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत कनेक्टेड है। तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्टेट्स दैट, वेल बाय द वे, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समझने के लिए हमने रॉड नहीं लिया, हमने लिया एक क्यूब। तुमको रॉड लेना रॉड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक एंड हायर टेम्परेचर पे चाहिए, दूसरा एंड लोअर टेम्परेचर पे चाहिए। हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर फेस टू लोअर टेम्परेचर फेस। ओके, तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द क्यूब इज, नंबर 1, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द एरिया ऑफ द फेस, ठीक है। नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 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 डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू फेसेस, टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू फेसेस, बिटवीन द टू फेसेस। नंबर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच हीट फ्लोस। मतलब बेसिकली अगर मुझे इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलना होता तो मैं बोलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द क्यूब रिमेन्स इन वेरिएबल स्टेट, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया वेरिएबल स्टेट मतलब जब तक हीट फ्लो हो रहा है तब तक वेरिएबल स्टेट, तो जितने टाइम तक वो क्यूब वेरिएबल स्टेट में होगा उतना ही टाइम तक हीट फ्लो होगा। नंबर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सही है, लेकिन आई वुड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू फेसेस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन द टू फेसेस, बिटवीन द टू फेसेस। तो ये चार चीजें हैं जिसपे हीट फ्लो डिपेंड करता है। तो हीट फ्लो डिपेंड करता है एरिया पे, हीट फ्लो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, ये डिपेंड करता है टाइम पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस। राइट, गुड। तो ये हो गया क्यू इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो के ए टी वन माइनस टी टू इंटू स्मॉल टी बाई एक्स, वेयर के इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बराबर, क्लियर? सिंपल सिंपल, गुड। तो अब यहां से के का हम लोग बना लेंगे इक्वेशन, फिर के डिफाइन कर लेंगे। व्हाट विल बी के, व्हाट विल बी के? क्यू एक्स अपॉन ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी, जो हो गया के का इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का इक्वेशन। ओके, ये और जो पिछला टॉपिक था, पिछला चैप्टर था, याद है क्या? इसी चैप्टर में था ना थर्मल एक्सपांशन। हाँ, इसी चैप्टर में थर्मल एक्सपांशन में जो तुमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन डिफाइन किया था, तो क्या किया था यार? सबको वन 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 कर दिया था। तो यहाँ पे भी एक काम करना, सिर्फ क्यू को छोड़ के सबको वन कर देना। मान लेते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू 1 मीटर है, मतलब जिन दो फेसेस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है उन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, तो दे आर एट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। लेट अस से एरिया इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वेयर। लेट अस से द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज ऑल्सो 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब दो फेसेस में टेम्परेचर का डिफरेंस सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस है। और मान लेते हैं कि टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग इज 1 सेकेंड। अगर ऐसा है तो के की वैल्यू हो जाएगी क्यू। राइट, तो कोएफिशिएंट्स को डिफाइन करने के लिए ये जनरल ट्रिक हम लोग हर जगह पर यूज करते हैं। हम लोग क्यू को छोड़ के भी बोलेगा क्यू की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली? अरे तुम मेजर ही क्यों कर रहे हो, स्टार्ट में ही तो बोल दिया क्या मेजर कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, कैपिटल क्यू ही तो मेजर कर रहे हो। उसी को अगर मैं 1 बोल देता तो फिर मेजर क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को तो पता ही उसकी वैल्यू 1 जूल है। राइट, तो थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचा करो कि क्यू की वैल्यू 1 क्यों नहीं किया, तुम तो मेजर ही वो कर रहे हो, उसको कैसे 1 करोगे? है ना, मुझे डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से मुंबई, मैंने बोला कि चलो मेरे यूनिट्स में डिस्टेंस इज 1, तो फिर मेजर क्यों करोगे? रिमेंबर दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यू आर मेजरिंग क्यू, हेंस यू शुड नॉट टेक क्यू इक्वल टू 1, और क्यू छोड़ के बाकी सबको 1 कर दो। 1 कर दिया मतलब हमने बोला कि जो दो फेसेस थे क्यूब के उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, फेस का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस, और टाइम फॉर विच आई विल बी मेजरिंग हीट फ्लो ऑफ हीट विल बी 1 सेकेंड। अभी डिफाइन का क्या करोगे, फिर क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट विच फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड अक्रॉस द टू फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वेयर विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डन, हो गया। सिर्फ थोड़ा सा ग्रामेटिकली मैंने अलग लिखा होगा तो कोई बात नहीं, मतलब तो सेम ही होता है। तो नोट्स में मैंने क्या लिख के दिया आपको, नोट्स में ऐसा लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फॉर 1 सेकेंड बिटवीन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब हैविंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, वो लिखना रह गया, हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फॉर 1 सेकेंड बिटवीन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब विच आर एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस एंड हैज एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर एंड दे आर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन। हो गया यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब अगर मुझे कैलकुलस के फॉर्म में लिखना है, कैलकुलस का फॉर्म मतलब डेरिवेटिव्स, तो इफ आई वांट टू राइट दिस इक्वेशन
या तो इसको इक्वेशन नंबर वन बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूँ। अगर मुझे इक्वेशन नंबर वन को, कैलकुलस के फॉर्म में लिखना है, मतलब डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखना है, तो इफ आई वांट टू राइट डाउन इन कैलकुलस नोटेशन या फॉर्म, देखो ये क्यू है, ये के तो कांस्टेंट है, ए तो एरिया है, बराबर, ये टाइम तो टी है, टी तो टी रहेगा, तो फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डी टी बाय डी एक्स। तो टी वन माइनस टी टू बाई एक्स क्या लिखोगे, डी टी बाई डी एक्स। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है डेरिवेटिव होता है, बराबर। तो इन कैलकुलस फॉर्म क्यू इक्वल टू, के ए टी डी टी बाई डी एक्स। अगेन लिखने का तरीका हर एक का अलग है, बुक्स में अलग हो सकता है, मेरे नोटेशन अलग हो सकते हैं, दैट इज फाइन, इट इज पॉसिबल। अब जब कैलकुलस का तुम लिखते हो ना, तो कैलकुलस कैलकुलस के फॉर्म में जब लिखते हो, तो डी टी बाई डी एक्स एक डेरिवेटिव है, दूसरा भी एक डेरिवेटिव है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना हीट फ्लो हुआ, तो इसको क्यू बाई टी लिखो या फिर डी क्यू बाई डी टी लिखो, क्योंकि दो डेरिवेटिव है, राइट। तो हमने क्या किया, मुझे कैलकुलस के फॉर्म में लिखना था, आई वॉन्टेड टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म ऑफ कैलकुलस। मेरे पास एक इक्वेशन था क्यू इक्वल टू, क्या था, के ए टी वन माइनस टी टू को क्या लिख लिया, डी टी, और एक्स को क्या लिख दिया, डी एक्स, और क्या था, टी, टी को यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे लिख दिया डेरिवेटिव डी क्यू बाई डी टी। बस बाय द वे, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो हीट अपॉन टाइम को बोलते हैं हम लोग हीट करंट, क्या बोलते हैं इसको, हीट करंट, हीट करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज हीट करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज हीट करंट। तो इसको या तो मैं एच से डिनोट करूंगा हीट करंट, या फिर इसको मैं कंडक्शन रेट बोलता हूँ, तो इसके दो नाम है, एक तो कंडक्शन रेट बोलते हैं या हीट करंट बोलते हैं, मैं डिफाइन करूंगा वो भी, पी कंडक्शन, आई कम टू दैट ऑल्सो। फिलहाल तो सिर्फ मैंने इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना था, मैंने लिख लिया, और विद माइनस साइन, माइनस साइन क्यू। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हाई टेम्परेचर एंड से लो टेम्परेचर, मतलब हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर एंड टू लोअर टेम्परेचर एंड, मतलब हीट का जो फ्लो का डायरेक्शन है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, उस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग माइनस साइन लिखते हैं। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, इंडिकेट्स दैट हीट फ्लोस इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, आई डोंट वॉन्ट टू हैव माइनस साइन, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिखता हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज आई कैन राइट डाउन डी टी बाई डी एक्स, सॉरी डी डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, माइनस साइन नहीं लिखा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मॉड, तो मॉड में माइनस लिखते हो क्या, नहीं है। अभी ये इक्वेशन यूज करके, हम लोग के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का और एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर है, मतलब हर 1 मीटर में टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। अगर ऐसा मान लेते हैं, तो फिर ए वन डी टी बाई डी एक्स वन, बराबर, तो क्या बचेगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, ये बन गया तुम्हारा अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ थर्म, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कैसे डिफाइन करोगे, लिखा है ना, लिखा है,
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेट ऑफ हीट फ्लो. रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब डेरिवेटिव ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया अक्रॉस द टू फेसेस ऑफ अ क्यूब विच हैव अ टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर. हाँ अगेन नोट्स में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, कोई बात नहीं. क्या लिखा है वहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में आल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट एट राइट एंगल. क्यों लिखा होगा एट राइट एंगल टू द साइड ऑफ द क्यूब? अरे राइट एंगल ये साइड ऑफ द क्यूब है, हीट कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है कि नहीं? हाँ तो एट राइट एंगल. गुड, तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट क्यों बोला, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू भी कितनी ले ली हमने, 1. जहां भी तुम वैल्यू 1 लेते हो उसको पर यूनिट बोल देते हो, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द फेसेस ऑफ अ क्यूब कितना भी बोल दिया तो ठीक है, एट राइट एंगल बोलने की जरूरत नहीं है. तो ये हो गया अल्टरनेट डेफिनेशन. बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर. तो आई जस्ट रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो ऐसा है, हमारे पास एक क्यूब था, क्यूब का एक फेस T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा फेस T2 टेम्परेचर पे है. हमको पहले अज्यूम करना पड़ता है कि कौन सा हायर टेम्परेचर है कौन सा लोअर टेम्परेचर है. तो हमने T1 को क्या मान लिया, हायर टेम्परेचर, T2 को क्या मान लिया, लोअर टेम्परेचर. तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो पहले अज्यूम करना पड़ेगा, और वो जो क्यूब का जो फेस है उसका एरिया है ए, और ये जो दो फेसेस है उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स. डेफिनेटली क्योंकि एक फेस हायर टेम्परेचर पे है दूसरा फेस लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो होगा. हमको देखना है कितना हीट फ्लो हो रहा है. तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, नंबर टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू फेसेस, नंबर थ्री द टाइम फॉर विच द हीट फ्लोस, एंड नंबर फोर इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस. तो तीन डायरेक्ट प्रपोर्शनलिटीज है और चौथा इनवर्स प्रपोर्शनलिटी है. बराबर, तो क्यू इज प्रपोर्शनल टू ए, क्यू इज प्रपोर्शनल टू T1 - T2, क्यू इज प्रपोर्शनल टू स्मॉल टी, एंड क्यू इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एक्स. चारों को कंबाइन कर दिया तो क्यू इज प्रपोर्शनल टू ए T1 - T2 इंटू स्मॉल टी बाई एक्स. प्रपोर्शनलिटी हटा दिया तो एक कॉन्स्टेंट लगेगा जिसको तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाई के. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है ना, विच आई हैव सीन बहुत जगह पे कंफ्यूजन रहता है, नॉट ओनली विद स्टूडेंट ऑल्सो विद टीचर्स इन सम केसेस. ये के हमने फिजिक्स में बहुत बार यूज कर लिया, कहीं पे के को हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कहीं पे उसी के को थोड़ा बड़ा करके लिखते और बोलते हैं 1/4π ε₀, कहीं पे के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, कहीं पे के को बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, कहीं पे के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो इसमें कन्फ्यूजन होता है जिसका कोई रीज़न नहीं है. वाई आर यू गेटिंग कन्फ्यूज, देर इज नो रीज़न. अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हो तो स्मॉल के इज द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कैपिटल के इज 1/4π ε₀ विच इज 9 × 10⁻¹. अगर अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब इलास्टिसिटी, तो उसमें के होता है बल्क मॉड्यूलस. अगर आप थर्मोडायनामिक्स में जाओगे 12th में आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस Chapter 3, थर्मोडायनामिक्स Chapter 4, वहां पे के होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट. वो थर्मोडायनामिक्स में होता है. जब जब आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हो या फिर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हो, तो यहाँ पे के कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो पहले टॉपिक तो पता है ना तुम क्या पढ़ रहे हो, तो उसमें के क्या है वो समझ में आ जाएगा. तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना. तो हमारे पास अभी क्यू आ गया के ए T1 - T2 स्मॉल टी बाई एक्स. तो के बन गया क्यू एक्स अपॉन ए T1 - T2 इंटू स्मॉल टी.
क्यू क्या बन गया, के, अरे के क्या बन गया, चलो के क्या है, क्यू एक्स अपॉन ए टी वन माइनस टी टू इंटू स्मॉल टी। तो ये आ गया आपका के का इक्वेशन। अब हमको के को डिफाइन करना है, इक्वेशन तो बन गया, डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमने क्यू छोड़ के बाकी सबको बंद कर दिया। एक्स की वैल्यू वन, मतलब जो दो परपेंडिकुलर फेसेस है दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ द क्यूब, और दोनों का एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, एंड द टाइम फॉर विच वी आर मेजरिंग द हीट फ्लो इज 1 सेकेंड। तो डिफाइन कर लोगे ऐसा, यू विल से दैट, क्या बोलोगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द हीट, डिफाइंड एज द हीट फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड बिटवीन बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द क्यूब हैविंग 1 मीटर स्क्वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, अब वो तो ठीक है, लेकिन हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। फिर हमने कैलकुलस फॉर्म में उसी इक्वेशन को लिख लिया, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब इतना है, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। फिर मैग्नीट्यूड वाइज जब लिखते हो तो माइनस साइन हटा देते हो, तो हटा दिए। अब मुझे ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है कैलकुलस फॉर्म में, यहाँ से भी के डिफाइन हो सकता था, अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लूँ और अगर मैं डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी 1 ले लूँ, राइट। तो इन दैट केस यू कैन से के इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में आल्सो भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। डन, खत्म यहाँ तक, गुड। अब अगला टॉपिक है थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ, ये पूरे प्रोसेस में ना, पूरे प्रोसेस में मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, क्यू बाई टी का मतलब सिर्फ मैंने बीच में मेंशन किया था उसको, तो हीट करंट बोलते हैं, अब बताऊंगा वो, अभी आएगा वो। थर्मल रेजिस्टेंस के टाइम पे हम देखेंगे व्हाट इज हीट करंट। मैं जानबूझ के यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस के टाइम पे ही हीट करंट डिफाइन करता हूँ। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज हीट करंट एंड देन वी विल डिफाइन व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट टू कंडक्टर का थ्योरी पता है तो आपको ये बाय डिफॉल्ट पता है। देखो ऐसा था कि हमारे पास इक्वेशन आया क्यू इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू इंटू स्मॉल टी बाय एक्स। तो सिर्फ स्मॉल टी को मैं यहाँ पे लेके आ गया। जैसे तुम चार्ज पर यूनिट टाइम को, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट, वैसे ही तुम हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड को बोल दोगे हीट करंट, या फिर उसको बोलोगे कंडक्शन रेट। क्या बोलोगे? कंडक्शन रेट। तो वेयर वेयर एच इज कॉल्ड एज हीट करंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्शन रेट। तो इसको सिर्फ मैंने नोटेशन चेंज कर दिया, बात एक ही है, कंडक्शन रेट मतलब हीट करंट होता है। क्योंकि क्या है ना, टेक्सट बुक में कहीं पे पी कंडक्शन ये सिंबल यूज किया है, कहीं पे एच किया है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम थिंग्स। और इस पूरे प्रोसेस में मैंने तुमको और एक चीज नहीं बताई जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ने वाला हूँ, ये जो के था ना के, इसके डायमेंशन और इसके यूनिट्स वो तुमको वर्कआउट करने हैं। तो के के डायमेंशन और के यूनिट्स तुम यहाँ से वर्कआउट कर लोगे। चलो मैं एक तो बता देता हूँ, यूनिट बता दो, डायमेंशन तुम कर लेना। क्यू मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, एक्स मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, ए मतलब एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डिग्री सेल्सियस, और टाइम मतलब सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया कैंसल, हो गया ना कैंसल, या यहाँ तक बराबर है क्या? हाँ, तो यहाँ तक बराबर है, जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, उसमें से जूल पर सेकेंड को तुम बोलते हो वैट, क्या बोलते हो? वैट। तो ये आपका बन जाएगा वैट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया के का ऐसा यूनिट। अब डायमेंशन तो तुमको ही वर्कआउट करने के लिए लगाऊंगा मैं, तो तुम वर्कआउट कर लेना। कमिंग बैक टू थर्मल रेजिस्टेंस, उससे पहले कमिंग बैक टू हीट करंट, हीट करंट मतलब हीट अपॉन टाइम, वो क्या बन गया आपका, के
ए टी वन माइनस टी टू बाई एक्स। अभी ये क्यों मैंने लिखा है उसका भी रीजन है। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, व्हाट इज ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, दैट इज बेटर ऑफ। तुम लिखते टाइम वी इक्वल टू आई आर लिखते हो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए एक्चुअली वी इक्वल टू आई आर नहीं होता है, वो डेल्टा वी इक्वल टू आई आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर हम वी इक्वल टू आई आर क्यों लिखते हैं? देखो ऐसा है ना, जब तुम बैटरी या सेल दिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 वोल्ट, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तुमको पता है नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो माइनस है ये 0 वोल्ट है, और जो प्लस है वो कितना है, 10 वोल्ट है, राइट? तो इसको बोल देता हूँ मैं, लेट अस से वी वन, इसको बोल देता हूँ मैं वी टू। तो वॉट इज डेल्टा वी, वी वन माइनस वी टू, वॉट इज वी वन, 10, वॉट इज वी टू, वी, हाँ 0, 0। अगर वी वन को मैं वी बोल देता और वी टू तो 0 ही था, तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा वी इक्वल टू वी। हाँ, तो आइडियली स्पीकिंग वो होता है डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बिटवीन टू पॉइंट्स, और अगर दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन है, दो पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पे तुम जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन अपॉन करंट, ऐसा ही है ना। वी इक्वल टू आई आर मतलब डेल्टा वी इक्वल टू आई आर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, सही है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, अरे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। तो सिमिलरली थर्मल रेजिस्टेंस आर टी, थर्मल रेजिस्टेंस आर टी क्या होगा, करंट कब फ्लो होता है, जब दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस हो। हीट कब फ्लो होता है, जब दो पॉइंट्स में टेम्परेचर डिफरेंस हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, डेल्टा टी हो, अपॉन ये कौन सा करंट था, इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे करंट पर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे कौन सा करंट होगा, हीट करंट, उसको तुमने क्या बोला है, एच, ऐसा ही बोला है ना, बोला कि नहीं ऐसा, यस और नो? तो थर्मल रेजिस्टेंस डेल्टा टी क्या है, टी वन माइनस टी टू है, और ये एच कौन था, क्यू बाई टी था, बराबर। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, टी वन माइनस टी टू अपॉन क्यू बाय टी, या तो ऐसा लिख लो या दूसरा तरीका भी है। डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज क्यू बाय टी, अभी लिखा है यहाँ पे क्या था, के ए टी वन माइनस टी टू बाय एक्स पे काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, ये एक्स को यहाँ लेके आ जाते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा यहाँ पे के इंटू ए, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, एक्स यहाँ पे आ गया, के यहाँ पे आ गया, वहां कौन बचा, और ये क्यू बाई टी, ये क्यू बाई टी, लेकिन टी वन माइनस टी टू अपॉन क्यू बाई टी ये कौन था, थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स अपॉन के, क्लियर यहाँ तक, आया समझ में यहाँ तक? तो थर्मल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला है, एक है टी वन माइनस टी टू अपॉन क्यू बाई टी, क्यू बाई टी इज हीट करंट, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा टी बाई एच, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस एंड एच इज हीट करंट या कंडक्शन रेट। मैंने इसलिए बोला कि इतना कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, कभी एच बोलते हैं, कभी क्यू बाई टी बोलते हैं, कभी पी कंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि सब सेम ही है, एच इज क्यू बाई टी एंड क्यू बाई टी इज पी कंडक्शन, बराबर, गुड। हमको चाहिए था थर्मल रेजिस्टेंस, थोड़ी थर्मल रेजिस्टेंस अभी डिफाइन कर दूंगा मैं, ऐसा टोल्ड यू कि जहाँ पे थ्योरी ज़्यादा होता है ना, मैं इनिशियल थोड़ा थ्योरी लिखता हूँ बाद में, फिर जस्ट टू कनेक्ट यू, शुरू से इधर स्पीड में भागा ना, फिर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉट वॉज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, फिजिकल मीनिंग, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, वॉट डू यू थिंक विल बी थर्मल रेजिस्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस।
सो थर्मल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ हीट। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वैसा ही अगर थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहाँ पे चार्जेस मोशन में थे, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बराबर यहाँ तक तो हमने डिफाइन कर दिया थर्मल रेजिस्टेंस विच इज टी वन माइनस टी टू बाई क्यू बाई टी या फिर एक्स अपॉन के ए। यहाँ तक सब क्लियर है क्या? पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो अभी इसके आगे का हम देखेंगे अगले लेक्चर में।